उपचार का मकसद होता है मरीज को ठीक करना। स्तन कैंसर उपचार का मकसद भी यही, मरीज का इलाज, कैंसर का जड़ से खात्मा, जीवन रक्षा, यही एकमात्र लक्ष्य। कैंसर अकेली बीमारी नहीं बल्कि रोगों का समूह हो। कैंसर का हर मामला अति विशिष्ट, दूसरे से बिल्कुल अलग। If a cancer is diagnosed, then a whole series of tests are sort of ordered, then to further characterize this lump. Then you know what type of cancer it is. There are several types of breast cancer. Cancer है, किस प्रकार का cancer है, कहाँ फैला है, फिर इलाज कर सकते हैं, कौन कौन से इलाज कर सकते हैं, बॉडी उस इलाज को कैसे उसकी क्षमता है उसको, इन सब के लिए हमको अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। इसमें टाइम जाता है, किसी किसी टेस्ट में खर्चा भी ज़्यादा होता है, किसी किसी टेस्ट में थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन हम लोग वही टेस्ट करते हैं जो उसके इलाज को कारगर करने के लिए जरूरी होता है, वही टेस्ट करते हैं। कैंसर का इलाज शुरू होता है बहुत से टेस्ट परीक्षणों के साथ। हर मामला विशिष्ट, इसीलिए डॉक्टर के लिए जानना जरूरी कि आपका कैंसर किस तरह का है, कितना फैला है और उस पर कौन सा इलाज सबसे कारगर होगा। कुछ आम रूटीन टेस्ट्स के अलावा हो सकता है आपको इनकी भी जरूरत पड़े। छाती का एक्सरे, एमआरआई, बोन स्कैन, अल्ट्रासाउंड, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट और पेट स्कैन, ये कुछ टेस्ट आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। यही बताएंगे कि आपके लिए कौन सी इलाज पद्धति बढ़िया रहेगी। जो पहली बार डॉक्टर ने कही कि अरे स्तन कैंसर, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा स्तन कैंसर है तो ये तो पता है कि जान सुरक्षित है, बाकी सब से हम निपट लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, अब क्या? एक काम करते हैं, 3 दिन में सर्जरी कर लेते हैं। सर्जरी करने के बाद 1-2 लिम्फ नोड्स निकाल देंगे, देन यू विल हैव टू गो फॉर रेडिएशन, 6 कीमो होगा एंड यू आर डन। दैट इज लाइक अ शॉर्ट एंड स्वीट थिंगी, बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक एन एवरीडे प्रोसीजर एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ ह्यूज क्यू देयर। ब्रेस्ट कैंसर कम्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, सेवरल डिफरेंट टाइप्स, फाइंड आउट व्हाट इट इज। ब्रेस्ट कैंसर कई तरह का होता है, पता करिए आपको कौन सा है, पता करिए वो कैसे बढ़ रहा है। अपने इलाज का, इलाज पद्धति का हिस्सा बने, इलाज में डॉक्टर का साथ दे, आपको खुद अच्छा लगेगा। यू नो ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ टेक कंट्रोल ऑफ द ट्रीटमेंट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ ग्रेटर सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी। स्तन कैंसर के हर मरीज की इलाज पद्धति अलग होती है, उसके कैंसर विशेष और शरीर के अनुरूप ढली हुई। मरीज की उम्र, कैंसर की स्टेज और उसका प्रकार सब मायने रखते हैं। The treatment is almost always... इलाज हमेशा ही बहुआयामी होता है, मतलब बहुत से इलाज के तरीके अपनाते हैं हम। कौन सा इलाज पहले, कौन सा बाद में, कौन सा साथ में, सब तय करते हैं। 100 में से 90 महिलाओं पे ये बात लागू होगी कि उनको सारे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सर्जरी की, ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, और करीब 1/3 महिलाओं में एक हार्मोन थेरेपी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेमोक्सिफेन की गोली या और दूसरी गोलियां होती हैं उसकी भी देने की जरूरत। ऑपरेशन और रेडिएशन का मकसद होता है कैंसर को अंग विशेष से हटाना, वो जहां है वहीं खत्म करना, जबकि कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पूरे शरीर पर काम करती है और कैंसर कहीं भी फैला हो उससे जूझती है। इलाज आसान नहीं, लेकिन इलाज अकेला निदान। अपने पूरे इलाज के दौरान चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, याद रखें कि वो आपको स्वस्थ बना रहा है। It is a dilemma for any person because, as we know, मुश्किल है इलाज, साइड इफेक्ट हैं, दर्द भी होता है, इससे इनकार नहीं, लेकिन इलाज नहीं कराएंगे तो ये जिंदा रहने के लिए है, ये याद रखें। Of course, it is not easy. बेशक आसान नहीं है, लेकिन ये बात गलत कि इलाज बहुत दर्दनाक, दिक्कत होती है, कभी बहुत तकलीफ भी, लेकिन डॉक्टर अच्छे हों तो सब गुजर जाता है।
सब ठीक हो जाता है। रूबी आलूवालिया के लिए ये सफर मुश्किल था पर असहनीय नहीं। That was a wonderful day actually. That was, अब वो याद करती है वो दिन जब वो कैंसर मुक्त थी। That was the time when I really kind of felt very triumphant actually speaking that number one, now the drudgery is over of going through the treatment and the special care which one was taking, and another thing was that I have been able to, you know, cooperate with the doctors and with their help I have been able to win it over. आप भी कैंसर को जीत सकते हैं। इलाज ही आपका स्वास्थ्य और सेहत की ओर रास्ता।